चलो कोई तो ये दिक्कत नहीं यार, दोस्तों आप ये तो देख आपने सकते ही हैं। ट्रेड करा था ना। हाँ ठीक, बाकी ये कुछ तो राजस्थान की इधर आ जाओ, संस्कृति सर इधर दिखा बताइए। दो इधर तो पहले। आपको ये हवेली आपको दिखाएंगे, राजस्थान का जो भी देखने मिलेगा हर एक अंदाज बनेंगे सर, भोसे इसके पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी में लगा हुआ के। है। तो ये देख सकते हैं पुरानी पुरानी चीजें, जो राजस्थान की संस्कृति बची हुई है आप देख सकते हैं। बहुत कम चीजें होती है जो ऐसे आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप कभी राजस्थान या भारत में घूमने आए तो इस हवेली में जरूर आए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, ये देखिए ये राजस्थान की संस्कृति वाली पगड़ी। और ये देखिए संदूक, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। ये सर उनका गेस्ट रूम हुआ करता था, जी, ठीक है। और यहाँ पे वो बैठा करते थे जो जेंट्स लोग, और यहाँ पे डांस होता था, ठीक है। और सामने आपको जो खिड़कियां दिख रही है, इनमें जो उनकी लेडीज लोग है ऊपर बैठ के देखा करती थी, डांस को अटेंड कर किया करती थी। नीचे जो प्रोग्राम अच्छा होता जैसे था, बॉलीवुड की हाँ फिल्मों में वो ऊपर हाँ से। ऊपर से देखा करती थी, क्योंकि पहले साथ में नहीं बैठती थी लेडीज लोग। आजकल तो साथ में बैठती है, तो पहले ऊपर से देखती थी, नीचे वो बैठते थे उनके हस्बैंड लोग जो है जेंट्स लोग, और यहाँ पर डांस होता था और ऊपर से वो देखती थी। और ये सारी फ्रेंच कोस पेंटिंग है, मोनालिसा की है, और सामने ये जो सरस्वती पेंटिंग है कृष्ण भगवान की है। और ये पुरानी जो एंटिक चीजें रेडियो वगैरह है, वो उनकी पोशाक है सामने जो वो पहनते थे पहले। हाँ घड़ी है, ये पोशाक है वो उनकी। 180 साल पुरानी सर ये। और ये क्या चीज है भाई रेडियो के साथ साथ? ये कैमरा है सर पुराना, इधर ये अच्छा, टंग ये ऊपर है कैनन ना का खोती कैमरा में। ऐसा भी हाँ आता था। पहले ये देखिए कैमरा वगैरह दोस्तों, है बहुत पुरानी पुरानी चीजें, ये पोशाकें हैं राजस्थान में सब जो सर, पहले। वो जब पहले पहना करते थे उस टाइम की है, अभी तक पड़ी है यहाँ पे। और ये वीणा है वो बजाने की, जो तो गिटार वगैरह बना बजाते हैं ना वैसी है वीणा बोलते हैं तरुआ इसको। सारा कुछ हाँ मिलता सारी एंटिक चीजें इसमें, झूला है। और है। ये झूला है, अपसाइड आना भाई एक बार हाँ झूला। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी पेंटिंग की हुई है। ये और झूला देखो, ये क्या नाम भाई इसका, झूले का कुछ नाम होता था पहले तो शायद? वो झूले का नाम नहीं है, झूला है बस ऐसे। नहीं पता नहीं होगा आपको, या तो ठोकता तो था कुछ ना कुछ, किस नाम तो कुछ नहीं है सर, कोई नाम झूला नाम देते थे यार हर चीज को। और तो ये क्या? ये सब जो कठपुतली बोलते हैं इनको, अच्छा, ये कठपुतलियां। हाँ जो डांस कराते हैं ना इनका वैसे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये प्रतिमाएं सामने पेंटिंग है, हुई है। हम कहीं भी जाएंगे वहां पे हमारे पैसे नहीं लगते होते, हम उस टाइप की वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कभी तू सोचता हो अगला जाकर मैं पर्ची कटवाऊँ, हम कभी पर्ची नहीं कटवाते, अगले से पैसे लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, देख लो मुझे से। ये पेंटिंग्स ठीक है। है, पीछे करती है थोड़ा सा, उसी ये हिसाब से देखिए, ये कहीं जाएगा। आजकल चला हुआ है, ये दीवारों पर वाल पट्टी करवा के करवाते, ये डिजाइन ये ज्यादा ख्याल बहुत रहा पुरानी ठीक। चीजें हैं। ये देखिए, और आपको आगे और भी ऐसी ही ऐतिहासिक चीजें बताएंगे। ये देखिए, इतनी पुरानी पुरानी चीजें हैं दोस्तों, शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। देखिए हाथी, ये इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी हाथों से बनाई गई है। ये देखिए, शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी, कितना कितना समय लगता होगा दोस्तों इनको बनाने में, आप खुद सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। सालों साल की मेहनत है, तब जाकर ऐसी हवेलियां तैयार होती थी। वही है मंडा, वही अपना ही है, आपने महेंद्र और ये रामकृष्ण हाथी आराम तीन। हाँ दुकान कौन कर रहा है मालप्पा मेरे, बाकी दुकान कर रहा है नड़े बागीर जी माँ को। कुछ और बोले भाई, माइक बंद कर लिया, तेरी आवाज मेरी आवाज इकट्ठी ऐसा आवे। है। ये देखिए दोस्तों, ये बताया जा रहा है लगभग 170-180 साल पुरानी एक सौ अस्सी हवेली, साल पुरानी है 180 साल पुरानी हवेली है। आइए आपको अंदर भी दिखा देते हैं क्या कुछ है इधर। ये सर उनका बिजनेस रूम हुआ करता था। भाई आप ऐसे थोड़ा पीछे चलो ना कैमरे में ना, ताकि साथ हाँ जी में। ये देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ चेहरे के से बताओ बराबर वो चीज हम दिखा सके। ये बिजनेस रूम हुआ करता था उनका, जहाँ पे बैठ के वो बिजनेस की बात करते थे, अपना जो हिसाब किताब यहाँ पे करते थे वो बैठ के।
ठीक है, यहाँ पे सारी एंटीक चीजें जो शूटिंग वगैरह में काम में ली जाती है, जो शूटिंग में जो रेंट पे दी जाती है चीजें, वो यहाँ से दी जाती है। और यहाँ से आप खरीद भी सकते हो कोई चीज लेना चाहते हो तो। सामने पूरी जो राजा महाराजा की पेंटिंग है सारी पुरानी, जो सामने पूरी हवेली में है, पेंटिंग की वजह से ज्यादा फेमस है हवेलियाँ। तो आइए दोस्तों आपको अंदर से दिखा देते हैं। दूसरे जो दूसरे दूसरे देशों के जो राजा है, जैसे बीकानेर के नरेश जी, आगे सारे को नाम लिखे पड़े, महाराजा ग्वालियर ग्वालियर, अलग अलग शासकों के नाम है। ये देखिए दोस्तों इस साइड भी, ये बिलासपुर के है, सामने नाम लिखा पड़ा है सारी पेंटिंगों पे, ये राजा है सारे दूसरे दूसरे राज्य के कहीं भी देश। अच्छा, ये जो बीच में फोटो लगा हुआ ये, ये कौन है जो ये सर हवेली के है, जो मेन मालिक है उनकी फोटो। अच्छा, इनकी थी हवेली ये। इनकी। और ये दोस्तों कुछ इनके पिताजी है, नीचे वो फोटो लग रही है सेठ जी, ये उनके बेटे हैं। ये कलाकृतियां देख सकते हैं आप जो हाथों द्वारा बनाई गई है, देखिए सारी सर एंटिक चीज है इसमें, तो पुराना म्यूजिक वगैरह है, सारी चीज अभी तक पड़ी है इसमें। ये देखिए शूटिंग वगैरह जो पुराना लोकेशन चाहिए वो यहाँ पे आते हैं, जो चीज खरीदनी है रेंट पे लेनी है यहाँ से लेते हैं सभी। ये क्या है भाई? सर सब एंटिक चीज है, सारी काम में ली जाती है। ये जो जो पहना करती थी वो औरतें चूड़े वगैरह है, ये तो आज के समय भी पहनती साइज है ना। एंटिक सर पुरानी जो चीज होती है। और ये बहुत सारी, ये सारी भाई हाथों से ही बना रखी है। हाँ सर, ये पेंटिंग सब हाथों की है, सभी के नाम लिखे हैं। ये जो वो सजावट के लिए लगाते थे वो खूंटी वगैरह है, उनमें जो टांगते हम कपड़े वगैरह, वो चीजें हैं सभी। और ये वो है जो टैप होता था। हाँ वो रेडियो वगैरह म्यूजिक, हाँ मतलब जिसपे वो ये तवा चढ़ा के। हाँ दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा पंजाबी गानों में कुछ में दिखाया जाता है ये ऐसा, ये वही है। ऊपर से दिखा दो। और यहाँ पे वो बैठते हैं, और बाकी देख सकते हैं आप पूरी, ताकि बाहर से रोशनी भी आती रहे, ऐसी हवेलियां बनाई गई थी। ये देखिए ये खिड़कियां हैं, हो सकता है उस समय सर उनको जो जहाँ से जो देखनी होती चीज चीज वो देखते थे, वो खिड़कियों खोल के, जितनी खिड़कियां लगी है अलग अलग दिशा में, जहाँ से कोई चीज देखनी है अगर उस पार देखनी है तो उस खिड़की का काम लिया जाता था, इस पार देखनी है तो इस खिड़की का काम लिया जाता था। और जैसे ऊपर खिड़कियां बना रखी इनके फोटो के साथ, ऊपर जो वो लेडीज लोग बताया था ना आपको बैठने का काम, यहाँ पे बिजनेस करते थे वो। अच्छा, ऊपर वो मतलब उनकी रानियां बैठती थी, जो बैठ के ऊपर सुनती थी, आजकल तो साथ में बैठती है औरतें। तो दोस्तों उस समय ऐसा अलाउड नहीं था ये कह सकते हैं। और बाकी बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, आप कभी भी मंडावा घूमने आओ तो इस हवेली में जरूर आना, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको राजस्थान के इतिहास से रूबरू करवाएंगी, और आपको देखने में अलग ही मजा आएगा कि हाँ हम राजस्थान में आए हैं। पीछे का शूटिंग हुआ भजन भजन का वाला, ये देखिए। अच्छा इसमें हाँ पिक्के बजरंगी भाईजान, जब भी मैं लवाज कर ये पंखा तो अभी का है, ये मुझसे इतना पुराना है, बाकी बहुत सारी चीजें पुरानी ही है। दो तो अभी रिलीज हुई है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चीजें बनाई हुई है। टोनी कक्कड़ का इधर ही हुआ था इसी हवेली में, गुरी का भी यहीं पे हुआ था। ये देखिए दोस्तों ये बहुत पुरातन चीजें हैं, ये वो रेडियो देख सकते हैं आप, और ये घोड़े पे रखने वाली काठी है, ये सारे वो पुराने घड़े वगैरह हैं। दोस्तों मंडावा में आएंगे, इस हवेली में आएंगे तो आपको बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपने शायद कभी देखी नहीं होगी। हवेली की भव्यता देखिए आप पहले, और ये देखिए ताखड़ी हरियाणा में बोलते हैं। सामने पूरी देखो श्री कृष्ण रासलीला, सामने देखो सर पूरी कृष्ण भगवान की पेंटिंग है सारी में। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी इन हवेलियों में हम देखते जा रहे हैं वो ज्यादातर शायद कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, और
ज्यादातर बनिया लोग होते थे सर, बनी होती है बनिया लोग होते थे, ज्यादा कृष्ण भगवान को मानते थे, इसलिए उनकी जो भी हवेलियों में जाओगे आप कृष्ण भगवान की ज्यादा पेंटिंग मिलेगी आपको। देखिए ये कुर्सियां और ये क्या चीज है भाई बीच में, परात है, परात परात इतनी बड़ी, ये जो उनकी कुर्सियां बैठने की, ये जो होती है ना कपाट वो है। अच्छा, ये अलमारी। हाँ अलमारी, ये मीटर था इलेक्ट्रिसिटी पहले का, और ये घड़ी है, ये तो ज्यादा पुरानी नहीं होगी शायद। हाँ सारी एंटिक चीजें, कुर्सियां थी पहले की, आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ सर आगे और दिखाता हूँ आपको इधर। और ये देखिए बर्तन कितने बड़े बड़े, ये सर चिमनियाँ थी, इनसे पहले क्या होता था हवेलियों में लाइट नहीं होती, हवेलियों में लाइट नहीं होती थी पहले, ये मसाल जलाते हैं वही है ना, वही जो दस रानी की सीरियल में दिखती है। हाँ वही, और भी चीजें दिखाएंगे आपको, देखिए क्या क्या, ये जो मग वगैरह पहले जो पानी के काम में, खाना बनाने के काम में लिए जाते थे सारे वो। और ये क्या चीज है, बड़े बर्तन है, ये क्या रखा हुआ जुगाड़, ये सर वो कोई खोदने का काम में लिया जाता है गड्ढा वगैरह। ये जो पेटी है वो इनमें सामान रखते थे, और वो जब भी मेट की सर वो क्या बोलते हैं कच्चे धागे की शूटिंग हुई थी ना, सामने हुई थी वो जो अजय देवगन और वो सामने बैठे थे, जो मग पड़ा ना यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, वो सीन यहाँ का ही है सारा। अच्छा इधर का ही है। हाँ और ये देखो वो मंदिर है सामने, चलो चलेंगे उधर तो। हाँ जो इधर इधर से देख सकते हैं दोस्तों, ये चिमनी वगैरह है सर, और सर पहले जो ये क्या है भाई, चिमनी वगैरह है जो लाइटन वगैरह होती है चिमनी। अच्छा उसमें लगाते थे दिया वगैरह, और पहले जो सर सूती धागा बनाते थे ना। हाँ, जो नलकियों में पिरो जाता है चरखे से पहले। हाँ, ये वो है धागा बनता था इससे। अच्छा इसमें इसके अंदर डाल के ये जो होता था पोर्शन सूता जाता था वो धागा, मतलब जैसे चरखे से किया जाता है। हाँ जैसे सूत के फिर बनाया जाता था वो। अच्छा चरखे से पुराना यंत्र है। हाँ वो है, और ये उस टाइम का हुक्का है जो पीने काम में लेते थे वो लोग। इसमें तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, लाइटन है इसको आप जानते हो भाई, पहले लाइट नहीं थी इसके। ये लालटन अपने लालू प्रसाद यादव का चुनाव चिन्ह। हाँ देख सकते हैं। और ये क्या भाई, ये भी लालटन ही है कुछ हो रहा है। ये सर वो एंटिक ग्लास है, इसमें जो वो डालते हैं बल्ब वगैरह फिर चसता है वो, जो मतलब जलता है लालटन वाला काम करता था। हाँ वैसे मोनालिसा थी जो ब्यूटी पार्लर की जो आर्टिस्ट थी वो है, सबसे पहले इन्होंने काम बताया था पुराने आर्टिस्ट। और ये जो बजाने का है तबला, और ये सर पेटी वगैरह है, ये जो तेल तेल वगैरह रखते थे इसमें। अच्छा वो है ठीक है, ये जो पेटी है संदूक वगैरह है, इसका ऊपर का लकड़ी का ढक्कन है ना। हाँ सर लकड़ी का ही है पूरा ये। अच्छा पूरा लकड़ी का। हाँ ये उनके खाता भाई है, जो जिनमें वो हिसाब रखते थे, उनके जो मुनीम बैठते थे वो यहाँ पे बैठते थे। अच्छा और ये शीशा। हाँ ये शीशा है पूरा। और ये किस चीज के भाई है, ये सर हथकड़ी है, हथकड़ी। अच्छा। लगाते थे पहले, इधर भी हथकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी इस समय में। और इसके अंदर क्या भाई, ये देखिए दोस्तों ये वो अलमारी है भाई। हाँ सर अलमारी है, कपाट बोलते हैं। कांच लगा हुआ ये इधर भी, ये चौकी है उनके बैठने की। अच्छा इसमें बैठते थे। और ये देखिए दोस्तों, और अंदर देखते कुछ है क्या हो वैसे ही खाली। अच्छा अंदर एक संदूक रखा है, ये इधर रखा है, और देखिए इधर ये जा के देखिए कैसे छोटी सी है बाहर देखने के लिए, या लगभग 5 फीट की ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या नाम था भाई हवेली का, उसका सने राम लड़िया हवेली। अच्छा और ये क्या है, ये सर मंदिर है। ये देखो ये क्या बात, ये चिमनी है सर, वो जो लाइट के लिए रखी जाती है ना, इसमें बहुत जलाते थे। अच्छा। बत्ती वगैरह डाल के जलाते थे इसको, तेल। अच्छा। वगैरह डलता था, केरोसिन वगैरह। और ये क्या है, ये मंदिर है। अच्छा। ये उन्हीं का ना, ये जो जिनकी हवेली है। हाँ सर ये एंटिक चीजें सारी है, दूध बनने की बरनी है, दूध की डोली। हाँ नल लग रही है इसके, वो बैठने का पिड्डा है, और ये दूध बिलोने वाली है। हाँ ये छाछ बिलोते है ना वो है हांडी। हांडी और ये बैठने का मुड्डा। हाँ बैठने का, ये भी छाछ बनाने की मशीन है। अच्छा वो रही हाथों वाली। हाथों वाली। और ये सर उस टाइम की रसोई है,
ये देखिए दोस्तों रसोई, ये सर पहले वो पीसते थे मिर्च, मिर्च मसाला वगैरह इस पे पीसते थे सिलवट्टे पे। अच्छा जैसे आजकल जड़ी रोटियां बनाते हैं। हाँ, अब तो मिक्सर आ गए, मिक्सर में पीस लेते हैं। और ये चूल्हा है? ये चूल्हा है लो का, और ये वो है जो गोबर का, जिसके लेप देते हैं ना गोबर का, वो चूल्हा है। पहले खाना हांडी पे बनता था, जो हांडी का काम में लिया जाता है। ये जो छान है, इसमें जो रोटी वगैरह डालते थे वो सब उस टाइम की है। ये तो ऐसे लग रहा है दोबारा लीप रखी हुई है। हाँ, लेप देते हैं सर इसके गोबर का, बाल्टी वगैरह, पीड़ा वगैरह सब। ये देखिए दोस्तों कौन सा, ये पलटा वगैरह, बड़ा पलटा था, जो ज्यादा गेस्ट आते थे, कोई उनके मेहमान जो आते थे रिलेटिव। और ये क्या भाई? ये भी सर एक नहीं गई कुछ, इसके नीचे वो जलाते थे लकड़ियां, ऊपर वो हांडी में रखते थे इसके ऊपर। और ये कछुआ सा क्या है? कछुआ ही है क्या? और ये सर वो पीड़ा होता है ना बैठने के लिए, चौकी बोलते हैं जिसको। नहीं, ये इसके ऊपर रखा जो कछुआ सा। हाँ, ये वो होता ना, क्या बोलते हैं इसको, रोटी को बनाने के लिए तवा बोलते, तवा वो है उस टाइप का। और ये ढक्कन है हांडी का, बाल्टी वगैरह, मग वगैरह, ये जो पिंजरा है पुराना। अच्छा ये पिंजरा। हाँ, इसमें क्या रखते थे वो लोग? इसमें सर कुछ भी वो खाने की चीज कहीं रखते थे, खराब नहीं होती थी, ऊपर रखते थे पिंजरा। अच्छा, मतलब हवा भी लगती रही वैसे उस टाइप का। वो चकला बेलन है ही, रोटी बनती थी। ये तो दोस्तों ज्यादा पुरानी चीजें नहीं, अभी भी आपको देखने को मिल जाती है, इधर होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये देख ही सकते हैं आप हवेली का दृश्य। सॉरी सर, ये लैंप देख सकते हैं। ये झूला है सर उस टाइम का, जो पीड़े का बनाया गया है, जो पीड़ा होता है बैठने का चारपाई, उसका बनाया गया है। ये तख्ता है ही। और ये क्या, ये जुगाड़ लगा रखा है? ये बजाने का ये? कुछ और ये इधर वाला ये। हाँ ये सर ढकना है किसी चीज का, वो लगाते थे ना तब, जो तलवार के पीछे। अच्छा, जो पीछे कवच पहनते थे पीछे। ठीक, वो है। हाँ हाँ, वो है। और ये जो वो लेते थे काम में बैग वगैरह वैसे। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर, चिमनी वगैरह है सामने, ग्लास है, बेल्जियम ग्लास है, ये ऊपर है ये वाले। हाँ, लाइटिंग लगाई गई इसमें, रोशनी करते हैं। और ये क्या रखा भाई इधर? ये सर मग है सामने, कुछ चीज डालने का, रखने का कोई सामान वगैरह। अच्छा, ये लैंप वो। हाँ, ये पंप मार के चलाने वाली। हाँ हाँ, वो है लाइटन। लाइटन, हाँ, इसमें तेल डल के फिर जलाते हैं इसको। ये दोस्तों पहले देखा होगा आपने, मिट्टी का तेल होता था जो। और इनसे पता नहीं क्या बना रखा है। और ये मुड्डा हो गया एक और। ये क्या भाई इधर? ये सर वो है स्टोव बोलते हैं ना इसको, ये भी सर लाइटिंग के काम में लिया जाता था। अच्छा, मतलब आग जलाते थे। हाँ, आग जलती थी इसमें। और ये छोटी सी कुंडी, ये सर चौकियों पे देखो डिजाइनदार मूर्ति बनाई गई है, मोनालिसा है जो। अच्छा, ये मोनालिसा ही है। हाँ, ये ज्यादातर हवेलियों में मोनालिसा कैसे? हाँ, लगी हुई है, लोग ज्यादा फैन थे क्या इसके? हाँ, तो सर ये जो ब्यूटी पार्लर का काम, इसको आता था पहले, इसको देख के सीखा है पहले, इसको ही ज्यादा काम आता। हाँ, पता ही नहीं था किसी को पार्लर वगैरह। यही है। हाँ, यही है। और ये सामने मंदिर है, प्रतिमा है माता की, ये माता सरस्वती लक्ष्मी माता है। अच्छा, ये लकड़ी की बना रही है ना? हाँ सर, लकड़ी की है। वो सर लगाया था ना लारे सॉन्ग में, जो कांच पे नाचेगा इनाम 5,000 रुपए, तो वो यही बोर्ड लगा था उस शूटिंग में। अच्छा, जो नाचेगा कांच पर इनाम 5,000 बाहर लगाया था, तभी वो सुनंदा शर्मा नाची थी वहां पे कांच पे। ये दोस्तों सुनंदा शर्मा जिस सॉन्ग में थी लारे में, लारे है ना? हाँ, लारे जो बोर्ड लगाया था वो, ये उसमें यही है वो। ये जो कठपुतली है जिनका डांस कराते थे, ये कठपुतलियां, ये जो बैठने की है उनके टेबल ये वगैरह। खुलता होगा ना, देखना खुल के खुलता क्या अंदर है कुछ। अच्छा, इधर तो वो दिख गया, देख लो बाहर से। और ये इसका संदूक है, और ये कुर्सियां,
ये खाट तो आज के समय में मिली जाएगी ऐसी, ये जो टेबल होती है जो मेज बोलते हैं जिसको अब, अच्छा वो है जो नाश्ता वगैरह रखने के काम में ली जाती है दोनों इंच वे। और ये प्रेस देखिए दोस्तों जो शायद कोयलों से चलाई जाती थी, और ये सर वो जो लहसुन वगैरह हम कूटते हैं जिसमें, अच्छा वो है। ये दोस्तों आपने महाभारत में देखा होगा या रामायण में, वो कोई गाय लो जाता था उसके लिए जड़ी बूटियां तैयार करते थे, वो ऐसे ही औजार है। और ये फिर शायद मोनालिसा आ गई, ये पिंजरा है सर, ये तोते का पिंजरा, हाँ रखते थे पहले। ये देखिए दोस्तों ये हम एक बार चंडीगढ़ में गार्डन में गए थे, वैसी ही चीजें यहाँ पे भी लगी हुई है। ये गड्ढा काम के दौरान वो काम करता है तो उसकी पोजीशन क्या रहती है, कैसे सारा भी इंस्पेक्टर ने देखा है, तो ये सब चीजें, ये बल्ला है ठीक है। जहां तक मैं गवाई लगे मुझे ये आदमी के जीवन से जुड़ी चीजें लगी इसमें से। और ये इसका केतली की है, ये दिखा के इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो का फायदा है। कौन कौन सी जीवन में ललता ना सब की आवाज, और एक हम एनर्जी ब्लॉक में ऐसा कर रहे हैं उस पे, ये देखिए ये वो फ्लोर है घोड़े वाली काठी पर कौन चढ़ता तू बना रहा है, ये समझ तो उसकी एक दो की हो मैं वैसे नहीं बना रहा ये देखिए दोस्तों शेलियों में भी जालियां लगी हुई है देखने के लिए। और ये ऊपर आ गए हम, ये नीचे का सीन देख सकते हैं। ये इधर बाहर का सीन है और इधर एक और अलग से शायद हवेली है, इसमें भी ये चीजें रखी हुई है। ये देखिए ये बहुत पुरानी पुरानी चीजें पड़ी है, उस साइड तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ खास दिख नहीं रहा, तो आपको यहीं ऊपर से ही दिखा देते हैं हम तो कि क्या कुछ है। बाकी हवेलियां देखिए कितने अच्छे अच्छे दृश्य, कितने पुरानी पुरानी हवेलियां सारी देख के अलग ही पता चल रहा है। और बाकी और ये हम आ चुके हैं सबसे ऊपर, यहाँ से पूरे मंडावा को देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ है। और वो मस्जिद दिख रही होगी आपको दूर सी, जब हमने पार्टी है घुमा दे शोते दिखाई भी थी एक अलग से वीडियो में, वो देखिए वो ही मस्जिद बता दी मैंने ना, ठीक ठीक। और एक माइक उस हमारे गाइड के पास लगा हुआ, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा होगा, वीडियो में साथ में आ रहा होगा दोस्तों शायद। और बाकी पूरा मंडावा देखना तो आप किसी भी हवेली की छत पे चढ़ के आराम से देख सकते हैं, बहुत कुछ दिख जाएगा। ये दोस्तों पुरातन चीज़ें देख लीजिए, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, ये देखिए सारे के सारे पित्तल के हैं। ये देखिए आज के समय हम टोकनी कहते हैं जिसे, इसके ऊपर अलग से ये लगा रखा चौड़ी चौड़ी। ये देखिए खाना वगैरह बनता था शायद इन्हें, पानी वगैरह भी रखते होंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए ये भी पीतल की है सारा कुछ। और मंडावा में ये सब पुरातन चीज़ें हैं, इसीलिए मंडावा मशहूर है हवेलियों के लिए। और इस हवेली में काफ़ी गानों की शूटिंग भी हुई है और किसी किसी फिल्म की भी शूटिंग हुई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ से लेकर शूट किया जाता आगे। दोस्तों फुल वीडियो चैनल पर मिल जाएगी आपको।